Hello student, today we will do some more questions on the variable separable form of the differential equation. So let us start. देखिए यहाँ पर मेरे पास तीन क्वेश्चन मैंने लिखे हैं. ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़े थे या लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था हम उन्हीं उसी टॉपिक के ऊपर कुछ और क्वेश्चन आज करेंगे ताकि आपके अच्छे से ग्रिप बन जाएगी. तो आप लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को इजीली समझ पाएंगे. इवन जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन कौन सी मेथड से करना है. क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई क्वेश्चन हमें मिलता है तो स्टूडेंट उस समय आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से होगा या होमोजेनियस से होगा या इंटीग्रेटिंग फैक्टर से होगा. तो आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक के ऊपर करेंगे आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस क्वेश्चन को किस मेथड से करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा. तो देखिए जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब मुझे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना होगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज करना होगा. और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो होता है वो मुझे बोलता है कि यहाँ पर मुझे वाई वाली टर्म को एक तरफ करना है और एक्स वाली टर्म को एक तरफ करना है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो जाएगा. तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, डीवाई बाय डीएक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस, इन दोनों में से हम लोग वाई कॉमन निकाल सकते हैं, देन वी गेट वन प्लस एक्स अगेन डीवाई बाय डीएक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स. यहां पर हम लोगों ने वन प्लस एक्स को ही कॉमन निकाल लेते हैं, देन वन प्लस वाई. अब यहां पर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करते हैं, डीवाई अपॉन वन प्लस वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स, यहां आ जाएगा डीएक्स. इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग वन प्लस वाई, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू, साथ में हमें मिलेगा प्लस सी. तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से है. और जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक्स वाली टर्म भी होगी और वाई वाली टर्म भी होगी, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है. अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन करना है तो पहले हम इसको उस साइड ले जाते हैं, डीवाई अपॉन डीएक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस वाई. अब इसके बाद हम लोग वाई वाली टर्म एक तरफ कर देते हैं और एक्स वाली टर्म एक तरफ कर देते हैं, देन कॉस वाई डी वाई और साइन वाई भी नीचे आ जाएगा, साइन वाई यहां से कॉस एक्स के साथ आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स एंड डी एक्स. अब इस कॉस वाई अपॉन साइन वाई को हम लोग लिख सकते हैं कॉट वाई डी वाई इक्वल टू, यहां आ जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स. मुझे अब दोनों ही टर्म को इंटीग्रेट करना होगा तो कॉट वाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग साइन एक्स, यहां पे मैं लिखूंगा लॉग साइन वाई, वाई से लिखा जा रहा है क्योंकि वाई की टर्म में, इक्वल टू कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स प्लस सी. तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा. काफी इजी क्वेश्चन था, आराम से किया जा सकता है. एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, हम लोग उस क्वेश्चन को भी करते हैं. तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, यहां से भी हम लोग जो x वाली टर्म है उसको अदर साइड पे ले जाते हैं तो, और यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ये वाली जो टर्म है ये इस साइड आ जाएगी तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन भी आ जाएगा, यहां बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स. अब देखिए वापस से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अगर पढ़ रहे हैं तो यहां पे मुझे क्या करना होगा, एक्स वाली टर्म को अलग करना होगा, वाई वाली टर्म को अलग करना होगा. तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर हम लोग इस साइड ले आते हैं ज्यादा इजी होगा, इस साइड हम लोग वाई वाली टर्म को ही रखते हैं तो यह जाएगा वन माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब इस टाइप से मुझे क्वेश्चन कुछ मिला है और मुझे इसको सॉल्व करना है. तो देखिए यहां पे ये एक्स स्क्वायर है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लू, शायद मुझे लग रहा है मैंने गलत तो नहीं लिखा है, नहीं
क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, मुझे लग रहा था यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं ठीक है वो क्वेश्चन ऐसे ही है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई, और यहाँ पर आ जाएगा बाहर डीवाई इक्वल टू माइनस का साइन, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा प्लस 1 और इसके बाहर आ जाएगा डीएक्स अगेन। 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये आता है माइनस 1 अपॉन वाई, तो वी कैन राइट माइनस 1 अपॉन वाई। इसका इंटीग्रेशन अपन करते हैं तो यहाँ आता है लॉग वाई, तो लॉग वाई यहाँ आ जाएगा इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, आप चाहे तो इसको इधर ला सकते हैं, माइनस 1 अपॉन वाई माइनस लॉग वाई इक्वल टू ये जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, और इस पर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन आपको मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में दी हुई है उसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जो क्वेश्चन मेरे सामने है इसमें एक क्वेश्चन ये है एक क्वेश्चन ये है, और मुझे दोनों को सॉल्व करना है। अब जब मैं इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने लगूंगा तो यहाँ पे भी मैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही अप्लाई करूंगा, तो देखेंगे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस वन वाई, इसको हम एक काम करते हैं हाथों हाथ सॉल्व ही कर लेते हैं, तो ये जो y वाली टर्म है वो नीचे आ जाएगी, सो यू कैन राइट y अपॉन y प्लस वन डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस वन डी एक्स। तो इस प्रकार से मेरा ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को अगर इंटीग्रेट करूं तो यहां पर मुझे इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए, या तो डिवाइड कर देना चाहिए या कुछ टर्म को प्लस या माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हम लोग प्लस और माइनस कर लेते हैं, वाई के साथ प्लस वन किया अपॉन में वाई प्लस वन लिखा और माइनस वन किया तो अपॉन में वाई प्लस वन आ जाएगा, मतलब मैंने यहां पर क्या किया है प्लस वन और माइनस वन, और इसके साथ आ जाएगा डीवाई इक्वल टू। यहां पर भी हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे तो हम लोग इसको पुट भी कर सकते हैं, पुट करने से ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस वन डी एक्स, इसका हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन, यहां आ जाएगा डीवाई, यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस वन डी एक्स। अब देखिए ई टू द पावर एक्स प्लस वन को मैंने रखा टी, देन वी गेट ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सो यहां पर आ जाएगा वाई माइनस सॉरी इंटीग्रेशन नहीं आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन करके लिख रहा हूं मैं, वाई माइनस लॉग वाई प्लस वन इक्वल टू यहां पे ये पूरी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और इसकी जगह आ जाएगा डी टी, तो वी कैन राइट डी टी अपॉन टी। यहां पर मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा वाई माइनस लॉग वाई प्लस वन इक्वल टू लॉग टी प्लस सी, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ टी ऑल्सो वाई प्लस वन इक्वल टू लॉग एंड इन प्लेस ऑफ टी वी कैन राइट ई टू द पावर एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स प्लस वन प्लस सी। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, फिर हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालना होगी और हमें कुछ एडिशनल कंडीशन भी बनेंगे। तो अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इतना पार्ट में मिटा देता हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो मुझे लॉग हटाना पड़ेगा, तभी मैं डीवाई बाई डी एक्स को सॉल्व कर पाऊंगा। तो लॉग अगर हम लोग हटाते हैं तो आपको पता होगा कि डीवाई बाई डी एक्स हटाने पर सामने वाली जो टर्म होती है वो ई की पावर में चली जाती है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा फिर आप उलझते रहेंगे कि यहां पर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें। तो जब भी लॉग को हटाया जाता है तो अदर साइड पर जो टर्म होती है वो ई की पावर पे चली जाती है, यहां जाएगा ई टू द पावर थ्री एक्स प्लस फोर वाई। फिर इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने के लिए हमें इसको ब्रेक भी करना पड़ेगा,
ई टू दी पावर 3x इंटू ई टू दी पावर 4y। अब जो x वाले टर्म है उसको हम लोग अलग कर देंगे, जो y वाले टर्म है उसको हम लोग अलग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस 4y dy इक्वल टू ई टू दी पावर 3x dx, और दोनों को ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 इक्वल टू ई टू दी पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी, तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा और इस प्रकार से मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं इसमें हमें कंडीशंस गिवन है, और कंडीशंस गिवन होने का मतलब होता है कि यहां पे जो कांस्टेंट निकलेगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगी और उनकी वैल्यू आपको इन कंडीशंस के बेसिस पे फाइंड आउट करना होगी। यहां पर हम करेंगे वही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो देखिए क्या होता है। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है तो यहां आ जाएगा dy अपॉन sec y इक्वल टू dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ये ऊपर जाकर हो जाएगा cos y dy इक्वल टू dx, यहां पे cos y का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin y इक्वल टू x प्लस सी। अब देखिए ये c आ गया, मुझे c की वैल्यू अगर निकालना है तो मुझे इस x की वैल्यू को और इस y की वैल्यू को निकालना होगा, तो सॉरी पुट करना होगा, तो y की जगह ऊपर ने रखा 0, तो sin y जो हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो और x की जगह भी 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, और इस c की वैल्यू को हम लोग यहां रख देंगे, तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा sin y इक्वल टू x, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को फाइनलाइज कर सकते हैं, उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो dy इक्वल टू dy अपॉन y इक्वल टू tan 2x dx। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूं और इसको इंटीग्रेट करूं तो यहां पे क्या होगा, dy अपॉन y का हो जाएगा log y इक्वल टू tan 2x का हो जाएगा, tan 2x को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो tan 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec 2x, तो यहां पे हमें क्या लिखना होगा, log sec 2x अपॉन 2 प्लस c। अब जब हम यहां पे प्लस c लिख देंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब x के वैल्यू में क्या रखना है 0 रखना है और y के वैल्यू में रखना है 2, तो यहां पे आ जाएगा log 2 log, यहां पे हमने रखा 0 तो सेक 0 हो जाता है 1, क्योंकि x के अगर 0 रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू जाएगी 1 अपॉन 2 प्लस c। अब log 1 0 होता है तो यहां आ जाएगा log 2 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आ गई log 2 और इस वैल्यू को हम रखेंगे यहां पर, सो log 1 इक्वल टू log sec 2x अपॉन 2 प्लस log 2, ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। हम लोग चाहे तो इसको भी और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ठीक है अगर आप यहां तक भी इसको रख के छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए यहां पर क्या है, dy इक्वल टू y, y को हम लोग नीचे ले आते हैं तो अपॉन में y, यहां आ जाएगा sin 2x dx। अब मुझे इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो दोनों ही टर्म को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा log y इक्वल टू sin 2x का हो जाएगा cos 2x और ये भी माइनस का प्लस c, तो यहां पर मेरे पास कॉन्स्टेंट टर्म आ गई। अब देखिए यहां पर आपके समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, y ऑफ 0 इक्वल टू 1, y ऑफ 0 इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि जब x इक्वल टू 0 हो तो y की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब होता है y ऑफ 0 इक्वल टू 1 मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर, ये वैल्यू जो x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 1 है उसको यहां पुट करते हैं, तो log 1 हो जाएगा यहां पर इक्वल टू माइनस cos 2 इंटू 0 प्लस c, log 1 0 होता है माइनस cos 0, cos 0 भी 1 होता है, तो माइनस 1 प्लस c, c की वैल्यू हो जाएगी 1 और इस वैल्यू को हम लोग कहां पुट करेंगे इस इक्वेशन में,
सो फाइनली वी गेट log y इक्वल टू माइनस cos 2x प्लस 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा और इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाऊंगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये कंडीशन का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस बार और बता देता हूँ। वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वन का मतलब है कि जब आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और इसमें एक्स टर्म और वाई टर्म में क्वेश्चन आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, तो साथ में कॉन्स्टेंट टर्म भी आएगी और उस कॉन्स्टेंट टर्म को निकालने के लिए कंडीशन काम में आती है, जहां पर आप लोग एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे और वाई इक्वल टू वन रखेंगे तो आपको कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला हमने तो यहां पर आ जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर डीवाई अपॉन वन प्लस y स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर मुझे जो मिलेगा ये हो जाएगा टेन इनवर्स y और ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी। अब यहां पे मुझे वैल्यू पुट करना है x इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, x इक्वल टू जीरो देन y इक्वल टू वन, तो इसको अगर हम लोग पुट करेंगे तो देखिए टेन इनवर्स वन मतलब यहां तक आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स वन इक्वल टू एक्स की जगह आ जाएगा जीरो प्लस जीरो क्यूब बाय थ्री प्लस सी। टेन इनवर्स वन कब होता है, हम इनवर्स फिगर को भी पढ़ चुके हैं, यह आ जाएगा टेन पाई बाय फोर इक्वल टू सी, दैट इज इट विल बी कैंसल पाई बाय फोर इक्वल टू सी। अब इस सी की वैल्यू को हम लोग कहां रखेंगे, इस इक्वेशन में, और जब इस इक्वेशन में रखेंगे देन वी गेट टेन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस फाइव बाय फोर, दिस इज माय फाइनल आंसर। और यहां से मुझे क्या मिलेगा, एक जनरल सॉल्यूशन मिलेगा या एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन आज हमने किए ये सारे क्वेश्चंस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के थे, इसके पुराना जो वीडियो लेक्चर्स था उसमें जो क्वेश्चन थे वो सारे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के थे। तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है कि किस प्रकार से एक्स की टर्म एक तरफ की जाती है, वाई की टर्म एक तरफ की जाती है और उसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। अब जब हमारा जो नया लेक्चर्स बनेगा या आप लोग देखेंगे उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन की, कि अगर हमें होमोजीनियस इक्वेशन मिलती है तो किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाएगा। होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ने का रीजन मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से नहीं हो सकते, मतलब यहाँ पे आप एक्स और वाई वाले टर्म को बहुत इजीली अलग अलग नहीं कर पाएंगे, तो उन क्वेश्चन की हम लोग इंडिविजुअल हर टर्म की पावर देखेंगे, अगर उनकी पावर सेम होगी तो उन्हें होमोजीनियस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो वो जो मेथड है वो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग आज के लिए, हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है, मतलब यहां पर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन है, मुझे इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे जो पुराने लेक्चर्स बने थे उसमें आपने देखा होगा कि हमने इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया था और वहां पर हमने जो मेथड यूज की थी वो थी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज नहीं कर पाते। मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब होता है जहां पर आपको एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ रखना होता है और वाई वाली वैल्यू को एक तरफ रखना होता है और फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं और फाइनली हमें क्या मिलता है, एक जनरल सॉल्यूशन मिलता है या एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है होमोजीनियस इक्वेशंस, या इसको होमोजीनियस सॉल्यूशंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते, या मैं यूं कहूं
कि मेरे पास अगर एक इक्वेशन है जिसको मुझे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है जनरल इक्वेशन में, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं लगा पाऊंगा, मतलब मैं एक्स वाली टर्म एक तरफ और वाई वाली टर्म एक तरफ नहीं कर पाऊंगा, तो उस कंडीशन में मुझे इसको क्या करना होगा, इसे मुझे होमोजीनियस सॉल्यूशन से सॉल्व करना होगा। अब कोई इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है या इसको होमोजीनियस क्यों कहा जाता है वो मैं आपको क्वेश्चन करवाते करवाते बताता हूँ। तो देखिए, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, सबसे पहले तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं पूरी इस टाइप की इक्वेशन में जिसमें डिवाइड बाय डीएक्स एक तरफ आ जाए और बाकी की सारी वैल्यूज एक तरफ हो, मतलब ये एक्स इधर आ जाएगा माइनस एक्स एंड अपॉन में वाई। अब देखिए इसको होमोजीनियस क्यों कहा जाए, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर वाई एक्स और वाई ये जो तीन अलग अलग वेरिएबल आप देख पा रहे हैं, इन तीन वेरिएबल्स की जो डिग्री है इंडिविजुअल डिग्री वो सेम है, तीनों की डिग्री वन है, इसलिए इसको होमोजीनियस सॉल्यूशन भी कहा जाता है या होमोजीनियस इक्वेशंस भी कहा जाता है। अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके पास होगा जिसमें आप उसको वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पाएंगे, उसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग उसमें चेक करिए कि क्या सभी वेरिएबल्स की डिग्री सेम है। अगर सभी वेरिएबल की डिग्री सेम है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन की मेथड को अप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो होमोजीनियस सॉल्यूशन हम लोग लगाने जा रहे हैं इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, तो आपके पास जो y है उसको पुट कर दीजिए vx। अब यहाँ पे v और x दोनों के दोनों वेरिएबल है तो इस कारण हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसको हम लोग इसको इक्वेशन बन देके अभी छोड़ दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, देन वी गेट डिवाइड बाय dx इक्वल टू वी एक्स का वन प्लस एक्स डीवी बाय डीएक्स, डीवाई बाय डीएक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी बाय डीएक्स। अब देखिए एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, हम लोग ये दोनों वैल्यू को कहां पुट करते हैं, जो इक्वेशन वन है मतलब डीवाई बाय डीएक्स की जगह हम लोग रखेंगे इसको, और जहां जहां वाई है वहां पर रखेंगे हम लोग वी एक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैं आप लोग इसको ध्यान से देखते भी आइए, अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन भी करते रहिए, क्योंकि मेरा इधर वाला पार्ट कंप्लीट होगा तो मुझे इसको फिर से मिटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो दो वैल्यू है ये हम लोग रखेंगे कहां पर, डीवाई बाय डीएक्स की जगह पर रखेंगे वी प्लस एक्स डीवी बाय डीएक्स, और जहां जहां वाई है वहां पर हम लोग रखेंगे वी एक्स। तो देखिए क्या होता है, यहां पर मैंने रखा वी प्लस एक्स डीवी बाय डीएक्स इक्वल टू टू वी एक्स माइनस एक्स अपॉन में वी एक्स, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर से एक्स कॉमन लेके कैंसिल करते हैं और इस वी को उस साइड भेज देते हैं, देन वी गेट एक्स डीवी बाय डीएक्स इज इक्वल टू एक्स टू वी माइनस वन अपॉन वी माइनस वी एक्स डीवी बाय डीएक्स इक्वल टू यहां पे x भी था, ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, देन फाइनली 2v माइनस 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन वी। अब यहां पर जो मेरे पास टर्म आई है वो टर्म को हम लोग थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या होता है, x dv बाय dx इसमें से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूं, देन वी गेट वी स्क्वेयर प्लस वन माइनस टू वी अपॉन वी, क्लियर। अब इसके बाद वी कैन राइट एक्स डीवी बाय डीएक्स इक्वल टू माइनस वी माइनस वन का होल स्क्वेयर अपॉन वी। अब यहां पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज करेंगे, मतलब वी वाली टर्म एक तरफ और एक्स वाली टर्म एक तरफ, लेकिन ध्यान दीजिएगा या याद रखिएगा इस एक्सरसाइज के आंसर हमेशा सेम नहीं आते, वो सेम क्यों नहीं आते मैं आपको अभी आगे बताऊंगा वहां पे, लेकिन मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग आंसर अगर बुक के आंसर से मैच करना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बता दूं, अगर जैसे यहाँ पे माइनस का साइन है या यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो उसको यहीं रखिए, उसको आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाते समय मतलब बी को आप जब इधर लेके आएंगे तो माइनस से साइन को इधर मत लेके आइए। दूसरी बात ये कि जब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं
तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कंसिडर करना होती है, तो कांस्टेंट टर्म आप हमेशा राइट हैंड साइड पर कंसिडर कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके आंसर मैच होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए आपके आंसर मैच हो जाएंगे। लेकिन अगर मैच नहीं भी होते हैं और आपके स्टेप सारे सही है तो आपको थोड़े नंबर मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपने बुक के आंसर से मैच करना चाहते हैं तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए और सुनिए कि यहाँ पर जो भी माइनस की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर जो भी माइनस का साइन है उसको यही रखिए, या कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको यही रखिए, उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का यूज करते समय उसको इस साइड मत लेके आइए। देखिए जैसे मैं अभी यहाँ पे करने वाला हूँ, वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग मुझे वी वाली टर्म को एक तरफ करना होगा, देन वी गेट वी अपॉन वी माइनस वन का होल स्क्वायर डीवी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि मैंने एक्स वाली टर्म को एक तरफ कर दिया, वी वाली टर्म को एक तरफ कर दिया, लेकिन माइनस का साइन को मैंने वही रखा है। ये चीज आपको भी फॉलो करना है, इस तरीके से आपका आंसर आने के चांसेस बने रहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वही जो हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में करते हुए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज करेंगे और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी होता है, लॉग एक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हमें देखना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग, मैं यहाँ का इसको मिटा देता हूँ और आप लोग देखिए कि थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए क्या करना चाहिए हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए। क्या हम लोग यहाँ पे प्लस वन और माइनस वन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर एक फंक्शन है तो हम इसको डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते, तो मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा, माइनस वन और प्लस वन, वी माइनस वन अपॉन में वी माइनस वन का होल स्क्वायर, देन मैंने यहाँ पे माइनस वन किया है तो मुझे प्लस वन भी करना पड़ेगा, प्लस वन के अकाउंट में मैं वी माइनस वन को अलग से फिर से लिख देता हूं, डीवी इक्वल टू माइनस डीएक्स अपॉन एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। मैंने इसमें प्लस वन किया और माइनस वन किया, प्लस वन और माइनस वन करने से क्या फायदा होगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब यहां पर ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल, तो फाइनली वी गेट वन अपॉन वी माइनस वन डीवी प्लस वन अपॉन वी माइनस वन होल स्क्वायर डीवी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब मैं तीनों का एक साथ इंटीग्रेट कर देता हूं, तो यहां पर जो है मेरे पास आ जाएगा लॉग वी माइनस वन, यहां पे आ जाएगा माइनस वन अपॉन वी माइनस वन, और यहां पे आई विल गेट माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब देखिए यहां पर क्या होता है, अधिकतर यहां तक के स्टेप सभी की सेम होती है, लेकिन इसके नीचे से सभी के आंसर बदलना चालू हो जाते हैं। क्यों बदलना चालू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने सी कंसिडर किया है, कितनी बार बुक के आंसर में यहाँ पे लॉग सी कंसिडर कर लिया जाता है, कभी टेन इनवर्स सी कंसिडर कर लिया जाता है, तो डिपेंड करता है। अगर आपके पास ये सारी टर्म्स लॉग में है तो आप सी को भी लॉग सी ले लीजिए, और अगर सारी टर्म में से कोई एक टर्म अगर लॉग में नहीं है तो फिर इसको लॉग में लेने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां से आपके आंसर डिफर होना स्टार्ट होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके स्टेप सही रखिए, मेथड के बेसिस पर आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अब फाइनली मेरा आंसर करीब करीब आ चुका है, मुझे बस अब v की वैल्यू रखना है। तो याद करिए हमने v इक्वल y इक्वल टू क्या रखा था, vx रखा था, तो यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन x। तो यहां पर जहां जहां v है वहां पे मैं लिख देता हूं log y अपॉन x माइनस वन माइनस वन अपॉन y अपॉन x माइनस वन इक्वल टू माइनस log x प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई अगर करें हम लोग तो लॉ वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस लॉ एक्स प्लस सी। ज्यादा ज्यादा हम लोग इन दोनों को आपस में इधर लाके प्लस कर सकते हैं, लॉ वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी। ये दोनों टर्म आपस में लॉग के टर्म है, तो इनको मैं आपस में क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा देन वी गेट लॉग वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स।
प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी। यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, लॉग y माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी, ये मेरे लिए आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मैं अभी आपको फिर से रिपीट कर दूं कि इन क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्टली मैच हो आपकी बुक के आंसर से जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सी को जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो डिपेंड करता है कि हमने सी को क्या माना है और कहाँ पे माना है। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है सी को इधर कंसिडर किया जाता है, कोई लोग इधर कंसिडर करते हैं, तो उस कंडीशन में सी की वैल्यू और बाकी की वैल्यू जो होती है, जो आउटपुट हमें आना होता है, वो आउटपुट बदल जाता है। तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके स्टेप सही होना चाहिए और आपका फाइनल आंसर जहां तक आप उसको सॉल्व कर सके आपको उसको सॉल्व करना है। तो होपफुली आपके मेथड समझ में आई होगी। अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन जो है इजिली समझ में आने लगेंगे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इस क्वेश्चन में भी मैं अगर मुझे इसको भी सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इसको जनरल सॉल्यूशन में बदलना है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन में तब बदल पाऊंगा जब इसमें मैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा पाऊं। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं एक्स और वाई वाली वैल्यू को अलग अलग नहीं कर सकता हूं। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई वाली वैल्यू को अलग अलग नहीं कर सकता हूं तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, पहले तो मैं डीवाई बाई डी एक्स एक तरफ लिखता हूँ, बाकी की सारी वैल्यू को अदर साइड पे ले जाता हूँ और वहां पे मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या सभी की डिग्री सेम है। अगर सभी की डिग्री सेम होगी तो इसमें हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन वाला जो सॉल्यूशन है उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग उसी प्रकार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स डीवाई बाई एक्स इधर ले जाते हैं, वाई माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई डीवाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डीवाई बाई डी एक्स। देन डीवाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाला, ये पूरा पार्ट में इस साइड लिख रहा हूं, तो वाई प्लस एक्स एंड इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन में वाई प्लस एक्स। अब देखिए यहां पे जो मेरे पास टर्म आई है, इस टर्म में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वाई की डिग्री, एक्स की डिग्री, वाई की डिग्री और एक्स की डिग्री, मतलब इंडिविजुअली सभी की डिग्री क्या है, सेम है, वन है। और सभी की डिग्री अगर सेम होती है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको होमोजेनियस सॉल्यूशन की मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो वी कैन पुट वाई इक्वल टू वी एक्स डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू वन प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। हम लोग इसको इक्वेशन वन देते हैं और यहां पर इस पूरी इक्वेशन वन में हम लोग क्या करेंगे, एक तो वाई की वैल्यू को पुट करेंगे और एक डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे। तो मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें कहां रखना है, इक्वेशन वन में। तो डीवाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह आ जाएगा वी एक्स माइनस एक्स अपॉन में वी एक्स प्लस एक्स। क्लियर, मैंने डीवाई बाई डी एक्स जो था यहां पर उसके लिए आपको लिखा वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स और साथ में जहां पे वाई था उसकी जगह मैंने रखा वी एक्स और वी एक्स। अब इस कंडीशन में क्या होगा, वी को हम लोग उधर ले जाते हैं, उधर एक्स भी कॉमन निकाल लेते हैं यहां पर, तो एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू यहां से मैंने एक्स कॉमन निकाला वी माइनस वन अपॉन में एक्स वी प्लस वन माइनस वी एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा वी माइनस वन माइनस वी इसका मल्टीप्लाई में किया तो माइनस वी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई में किया तो माइनस वी अपॉन में वी प्लस वन। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा एक्स डीवी बाय डी एक्स माइनस का साइन अगर कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में वी प्लस वन। अब ये जो टर्म आपके सामने आई है, अब यहां पे हम लोग लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब वी वाले टर्म एक तरफ और एक्स वाले टर्म एक तरफ। तो उस कंडीशन में यहां पर आ जाएगा वी प्लस वन
अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। देखिए मैंने कहा था कि अगर यह माइनस का साइन आ रहा है या कॉन्स्टेंट आ रहा है इसको वहीं रखना है, तो मैंने अभी भी इसको वहीं पे रखा है, माइनस का साइन को मैं इस साइड मैंने मूव नहीं किया है। अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। अब मुझे अगर इन दोनों को इंटीग्रेट करना है तो ये तो इंटीग्रेट होकर लॉग एक्स हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे और क्या आएगा ये डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, मैं यहां लिखता हूं वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, सेपरेट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा और उसको सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा। डी वी इक्वल टू यहां आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसके बाद मैं इसको आगे यहां करने की कोशिश करता हूं, इसको मैं अगर टी पुट कर दू वन प्लस वी स्क्वायर को मैंने माना टी, देन टू वी डी वी इक्वल टू डी टी, वी डी वी इक्वल टू डी टी बाय टू। इसके लिए आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन अच्छा होगा तो ही आप क्वेश्चन प्रॉपरली कर पाएंगे। अब यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं अगेन, तो वन अपॉन टू डी टी अपॉन यहां पर आ जाएगा टी, यहां पर हो जाएगा प्लस डी एक्स अपॉन सॉरी डी एक्स नहीं डी वी, क्योंकि वी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, यहां आ जाएगा वन प्लस वी स्क्वेयर और इक्वल टू में माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व होने की उस पर आ गया, अब मुझे केवल इसके वैल्यूज लिखना है, तो यहां आ जाएगा वन अपॉन टू लॉग टी प्लस टेन इनवर्स वी इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब देखिए मैंने यहां पे केवल सी लिखा है, मैंने लॉग यूज नहीं किया है, आगे आने वाले क्वेश्चन हम लोग शायद हो सकता है लॉग का यूज करेंगे। मैंने यहां पे सी इसलिए लिखा है क्योंकि बाकी भी टर्म में जैसे यहां पर लॉग नहीं है तो मैं यहां पर लॉग लिखकर कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का, लेकिन अगर सारी टर्म लॉग में होती तो उस कंडीशन में हम सी को भी लॉग के टर्म में लिखते हैं। फिलहाल हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, वन अपॉन टू लॉग टी की जगह वी कैन पुट वन प्लस वी स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एंड इन द प्लेस ऑफ वी वी कैन पुट वी एक्स वाई बाय एक्स, सो वी कैन राइट वाई बाय एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब यहां पे वी की जगह हमें वैल्यू पुट करना है, तो यहां पर कितना आ जाएगा वन अपॉन टू लॉ वन प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। फाइनली हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि या तो इस क्वेश्चन को आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, चाहे तो आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब इसको अगर हम लोग और आगे सॉल्व करना चाहें तो मुझे स्क्वायर रूट ऊपर ले जाना होगा, वो लॉग एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, फिर दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फिलहाल आप लोग ये क्वेश्चन यहां तक छोड़ सकते हैं, सफिशियंट है, इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक का ये जो मेरा सॉल्यूशन होगा ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। होपफुली आपको ये मेथड समझ में ही होगी, थोड़ी सी लेंथी जरूर है, आंसर मैच होंगे नहीं होंगे वो भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, जो छोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई है उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके आंसर मैच करेंगे। और उस चीजों के लिए आपको मतलब आंसर मैच करने के लिए आपको ये जो कंसेप्ट मैंने बताया था कि माइनस का साइन आपको उधर ही रखना है, कॉन्स्टेंट टर्म आपको उधर ही रखना है, एक्स वाली टर्म आपको उधर ही रखना है, प्लस सी आपको उधर ही कंसिडर करना है, तो उस कंडीशन में आपके आंसर मोस्ट ऑफ द केसेस में मैच कर जाएंगे। लेकिन अगर आंसर मैच नहीं करते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी मेथड सही होना चाहिए और मेथड अगर सही है तो आपको नंबर पूरे न्यू भी मिल जाएंगे। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में ही होगी, अपन आज के लिए इतने ही रखते हैं, अब आने वाला जो लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग इसी के आगे के और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।